प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को करबला के मैदान में उनके 72 साथियों के साथ शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में एक बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने अल्लाह की राह में सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि अपना माल और ख़ानदान भी कुर्बान कर दिया। और इमाम हुसैन के साथ लड़ते हुए उनके 72 साथी भी शहीद हो गए। आखिर इन शहादतों का मकसद क्या था? ये करबला का वाक़या क्यों पेश आया? हमें इतना तो याद है कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन किस वजह से दी थी ये हम क्यों भूल जाते हैं? इमाम हुसैन ने कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि नमाज को कायम रखा जाए। यजीदी जो कहते थे कि नमाज ज़रूरी नहीं है, यजीदी दीन को अपने मुताबिक ढालना चाहते थे, लेकिन इमाम हुसैन ने साबित कर दिया कि नमाज मौत की हालत में भी फ़र्ज़ है।